अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए समय समय पर स्त्रियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा या फिर दलितों के द्वारा जो आंदोलन किए जाते रहे हैं, उसे हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। विमर्श का तात्पर्य होता है उस पर चर्चा करना, विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना। इसके पहले मैंने आदिवासी विमर्श अवधारणा और आंदोलन पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप लोगों ने देखा और उसे काफी पसंद किया है। इसी सीरीज में मैं यह आज दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, स्त्री विमर्श अवधारणा और आंदोलन। तो इसका हम इन बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे और हिंदी साहित्य में अस्मितामूलक विमर्श के ऊपर ये कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं, स्त्री विमर्श अवधारणा और आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, फिर स्त्री विमर्श की अवधारणा, फिर स्त्री विमर्श का अर्थ और स्वरूप, स्त्री विमर्श की परिभाषा एवं स्त्री संबंधी विचार, स्त्री विमर्श के उद्देश्य, पाश्चात्य संदर्भ, इसका पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, फिर चौथा चरण। इसके बाद भारतीय संदर्भ में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल का प्रारंभिक दौर, नवजागरण युग और स्त्रियों के लिए सुधार काल, आधुनिक काल, स्त्री मुक्ति आंदोलन, पाश्चात्य संदर्भ में मुक्ति आंदोलन, भारतीय संदर्भ में मुक्ति आंदोलन, स्त्री विमर्श, समकालीन हिंदी साहित्य और निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। स्त्री विमर्श एक तरह का साहित्यिक आंदोलन है जिसके केंद्र में समानता का अधिकार, स्त्री अस्मिता, अस्तित्व, स्वतंत्रता और मुक्ति का सवाल है। इन सभी को संगठित रूप में रखकर स्त्री विमर्श की शुरुआत हुई है। तो जहां पर व्याख्या की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं व्याख्या करूंगा, नहीं तो इन बातों का बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्याख्या की यहाँ पर आवश्यकता है। हिंदी साहित्य में अस्मितामूलक विमर्शों के अंतर्गत स्त्री विमर्श मुख्य धारा का विमर्श रहा है। मतलब हिंदी साहित्य में जिन बातों पर डिस्कशन किया गया है उसमें स्त्री विमर्श का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें लिंग अर्थात जेंडर को मुख्य आधार बनाया गया है। अंग्रेजी में इसे फेमिनिज्म कहा जाता है। हिंदी में जिसे हम स्त्री विमर्श कहते हैं उसे अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा जाता है। स्त्री विमर्श एक वैश्विक विचारधारा है जिसमें पूरे विश्व की स्त्रियों का संघर्ष अपने पितृसत्तात्मक समाज के विरोध में देखने को मिलता है। पश्चिमी और भारतीय स्त्री आंदोलन और स्त्री विमर्श का इतिहास बहुत पुराना और लंबा रहा है। पितृसत्तात्मक समाज उस समाज को कहा जाता है जिसमें पुरुषों का विशेष स्थान होता है। मतलब महिलाओं को दयम दर्जे का समझा जाता है और पूरे निर्णय लेने के अधिकार पुरुषों के हाथ में होते हैं। मतलब पिता जो होता है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यह जो आंदोलन है केवल भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी बहुत ही प्रखर आंदोलन और पुराना आंदोलन रहा है। स्त्री विमर्श एक ऐसा विमर्श है जो जाति, धर्म, वर्ग, वंश, प्रांत और देश आदि से अलग हटकर है, जहां स्त्री अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा आदि का विरोध करती है। स्त्री विमर्श को पश्चिम से आई एक अवधारणा के रूप में देखा और विचार किया जाता है। अन्य अवधारणाओं की भांति यह जो स्त्री विमर्श है यह भी भारत में पश्चिम से आई हुई अवधारणा है। विशेष रूप से यह विकासशील देशों की सभ्यता के परिणाम स्वरूप स्त्रियों में आई जागृति से उत्पन्न हुआ है। जो विकासशील जो राष्ट्र हैं, जैसे भारत है, ऐसे जो राष्ट्र हैं जो विकासशील हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें स्त्रियों में जो जागृति आई है उसके कारण यह स्त्री विमर्श अस्तित्व में आया है। स्त्री विमर्श की अवधारणा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सर्वप्रथम यह आंदोलन ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुआ। ग्रेट ब्रिटेन से चालू हुआ और अमेरिका से चालू हुआ। 18वीं सदी में यह आंदोलन मानवतावाद और औद्योगिक क्रांति के समय से शुरू हुई थी। 18वीं सदी में दो आंदोलन में देखकर मानवतावाद हुआ था, मतलब मनुष्यों को बहुत ही महत्व प्रदान किया जाना, हर व्यक्ति को महत्व प्रदान किया जाना, मानवीय दृष्टिकोण से देखना, और औद्योगिक क्रांति हुई थी। स्त्रियों को पुरुष से बौद्धिक और शारीरिक स्तर पर कमतर समझा जाता रहा है। समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से धर्मशास्त्रों और कानूनों में स्त्रियों की पराधीनता और दासता का उल्लेख मिलता है। मतलब हमेशा से यह समझा जाता रहा है कि जो स्त्रियां होती है पुरुषों से बुद्धि की तुलना में कमजोर होती हैं और शारीरिक रूप से भी पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक कानून वगैरह हैं, कानून व्यवस्था है, उसमें हमेशा स्त्री को द्वयम दर्जे का समझा गया है, द्वयम दर्जे का नागरिक समझा गया है, उन्हें पराधीन और दास के रूप में
स्वीकार किया गया है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार होता है। स्त्रियां अपने नाम से संपत्ति नहीं रख सकती थी और स्त्रियों को संपत्ति का भी अधिकार नहीं था। स्त्रियां किसी भी चीज पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती थी, मतलब पुराने समय में न तो वेस्टर्न कंट्रीज में, ना इंडिया में, न तो पश्चिमी देशों में और ना ही भारत में स्त्रियों के पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि उसे अपने ऊपर और अपने बच्चों पर भी अधिकार जताने का हक नहीं था, मतलब कोई अधिकार नहीं था उसके पास। उसे अपने निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं था। इन सब अधिकारों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ स्त्रियों ने आवाज उठाई और मुक्ति के लिए आंदोलन भी किए। मतलब अपने अधिकारों के लिए जब उन्होंने मांग उठाई तो यह स्त्री विमर्श से संबंधित है। प्रत्येक देश और प्रत्येक युग में स्त्रियों की स्थिति एक बराबर नहीं थी, ना ही स्त्रियों की स्थिति प्रत्येक वर्ग में एक समान थी। प्रत्येक देश, राज्य, संस्कृति और वहां के सामाजिक व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों पर पुरुष सत्ता हावी रही। मतलब केवल एक देश में नहीं, प्रत्येक देश में प्राय यह देखा गया, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे कैसी भी उनकी संस्कृति हो, मतलब हमेशा स्त्रियों पर पुरुषों की सत्ता हावी रही है। पुरुष ही हावी रहे, पुरुष ही महिलाओं पर हावी रहे। जब स्त्रियों ने अपनी समस्याओं पर विचार किया और लिंग के आधार पर सोचना प्रारंभ किया, तब उन्हें अपनी दासता और हो रहे अन्याय का ज्ञान हुआ। तब जाकर उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन किए। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री विमर्श स्त्रियों के ऊपर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से मानसिक और शारीरिक दबाव डालने वाली पारंपरिक रूढ़ियों और मान्यताओं के विरोध में उभरा एक वैचारिक आंदोलन है। मतलब स्त्रियों के खिलाफ जितने भी प्रकार के दबाव थे, है ना, जितने भी प्रकार का दबाव उन पर डाला जाता था और जितनी प्रकार की रूढ़ियां उन पर आरोपित की गई थी, उनके विरोध में उन्होंने एक आंदोलन चालू किया और यह एक वैचारिक आंदोलन है। अब हम देखते हैं कि स्त्री विमर्श का अर्थ और स्वरूप क्या होता है, स्त्री विमर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है और उसका स्वरूप कैसा होता है। स्त्री विमर्श दो शब्दों से मिलकर बना है, स्त्री और विमर्श। स्त्री का अर्थ महिला, नारी, औरत, लड़की, मतलब लिंग के आधार पर स्त्री होना, और विमर्श का अर्थ होता है बहस, संवाद, वार्तालाप या विचारों का आदान प्रदान। अतः स्त्रियों को लेकर होने वाले बहस को हम स्त्री विमर्श कहते हैं। इन विमर्शों के माध्यम से स्त्री विमर्श का अर्थ स्त्री की परंपरागत छवि या पहचान से एक नई स्त्री छवि या पहचान का निर्माण करना है। मतलब स्त्री विमर्श के आधार पर हम जो पहले जो महिलाओं की जो छवि थी, जो कमजोर है, बुद्धि में कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, उस पारंपरिक छवि को तोड़कर एक नई छवि का निर्माण करना है। स्त्री विमर्श एक प्रकार से रूढ़ परंपराओं, हमारी जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, उनके प्रति असंतोष और उससे मुक्ति का स्वर है, उसकी आवाज है। पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे नैतिक मापदंडों, मूल्यों व अंतर विरोधों को समझने व पहचानने की गहरी अंतर दृष्टि है। पितृसत्तात्मक समाज में जो दोहरे मापदंड थे, पुरुषों के लिए अलग मापदंड थे, महिलाओं के लिए अलग मापदंड थे। पुरुषों को कुछ चीजों की आजादी दी गई थी और महिलाओं के ऊपर बंधन आरोपित किए गए थे, बंधन लगाए गए थे। तो ऐसे मापदंड, ऐसे मूल्यों के विरुद्ध उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो अंतर विरोध था, उसको समझाने की गहरी अंतर्दृष्टि है, एक विजन है। विजन स्त्री विमर्श की परिभाषा एवं स्त्री संबंधी विचार। अब हम देखते हैं कि स्त्री विमर्श को कैसे परिभाषित किया गया है। सामान्यतः लेखिकाएं स्वयं को स्त्रीवादी कहलाने से बचना चाहती हैं। इसका कारण यह कि वे केवल लेखिका बनी रहने चाहती हैं। वो चाहती कि हमारा पहचान होना चाहिए सिर्फ लेखिका के रूप में या फिर लेखक के रूप में। कोई स्त्रीवादी या पुरुषवादी स्टैंप, रबर स्टैंप अपने ऊपर लगाना नहीं चाहती। तो इसी संदर्भ में नासिरा शर्मा, जो बहुत ही फेमस राइटर है, वो कहती हैं, ना तो मैं स्त्रीवादी हूं और ना स्त्रियों के लिए लिखती हूं, क्योंकि वह मानती हैं कि स्त्री की समस्या सिर्फ स्त्री की ही नहीं पूरी समाज व्यवस्था की समस्या है, इसलिए मैं मानव मात्र के लिए लिखती हूं। तो उनका कहना भी सही है कि लेखिका तो लेखिका है, क्या स्त्री और क्या पुरुष। जब वो कुछ लिखेंगे तो निश्चित रूप से दोनों प्रकार के पात्र आएंगे, तो यह नासिरा शर्मा का कहना है। वहीं स्त्री विमर्श के संबंध में मैत्रेयी पुष्पा का कहना है। मैत्रेयी पुष्पा भी बहुत फेमस राइटर है इंडिया के, बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। इनका कहना है, नारीवादी स्त्री विमर्श है, नारी की यथार्थ स्थिति के बारे में चर्चा करना ही स्त्री विमर्श है। मतलब जो भी एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल सिचुएशन है महिलाओं की, उनके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में लिखना ही स्त्री विमर्श है। आगे मैत्रेयी पुष्पा का कहना है, इन सभी परिभाषाओं को आपको परीक्षा में लिखना है, कुछ परिभाषाएं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आगे मैत्रेयी पुष्पा का कहना है कि मनुष्य की मूल रूप से प्रवृत्ति होनी चाहिए कि स्त्री की नैसर्गिक प्रवृत्तियों,
नैसर्गिक प्रवृत्ति मतलब प्राकृतिक रूप से जो उसकी प्रवृत्ति है, और पुरुष की स्वाभाविक वृत्तियों को एक समान रूप से देखना, दोनों की जरूरतों को समान महत्व देना तथा दोनों की समान रूप से भागीदारी होना स्त्री विमर्श का लक्ष्य है। मतलब पुरुषों को जैसे प्रकृति ने बनाया है, महिलाओं को जैसी प्रकृति ने बनाया है, उनको उसी रूप में स्वीकार करना और दोनों को बराबरी का हक देना, बराबरी का महत्व देना, यही स्त्री विमर्श का लक्ष्य है। प्रभा खेदान नाम की जो राइटर है वो क्या कहती है, नारीवाद ना मार्क्सवाद है और ना पूंजीवाद, मतलब किसी भी प्रकार के वाद के चश्मे से इसे नहीं देखती। स्त्री हर जगह है, हर वाद में है, फैलाव में है, मगर संस्कृति के विस्तृत फलक पर आज भी वह वस्तुकरण की इस पारंपरिक प्रक्रिया को पुरुष दृष्टि से नहीं बल्कि स्त्री दृष्टि से देखने और समझने की जरूरत है। मतलब महिलाओं को देखने की जो दृष्टिकोण है वह पुरुष की दृष्टिकोण से नहीं बल्कि महिलाओं के दृष्टिकोण से देखने और समझने की जरूरत है कि वह भी एक ह्यूमन बीइंग है, वह भी मानव है, उसकी भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है, सिमोन द बोवार नाम की एक बहुत ही फेमस राइटर हुई है फ्रांस में, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कृति है द सेकंड सेक्स, तो इसमें उन्होंने लिखा है स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि स्त्री बनाई जाती है, इसी आधार पर स्त्री को स्त्री और पुरुष को पुरुष जैसे सामाजिक और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं लड़के या लड़की के रूप में तो बहुत इनोसेंट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में हम समाज की पूरी परंपराओं और रूढ़ियों को आरोपित कर देते हैं। वो कोरे कागज की तरह होते हैं, स्लेट की तरह, है ना, कोरे कागज की तरह होते हैं। कोई लड़की जब पैदा होती है तो कोरे कागज की तरह रहती है, लेकिन उसको माँ बाप और समाज के लोग विभिन्न प्रकार की वर्जनाएं लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं। इस प्रकार पैदा तो वह एक आम बच्चे बच्चे की तरह होती है, लेकिन स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि स्त्री बनाई जाती है। उसके मन में भर दिया जाता है, तू लड़की है, तेरे को ये करना है, ऐसे बैठो, इतना जोर से मत हंसो, है ना, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, मतलब बहुत सारे उस पर प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं। तो मतलब उसके मन में यह मानसिकता भर दी जाती है कि तू लड़की है, तू कमजोर है, तेरे लिए ये ठीक नहीं है, तेरे लिए वो ठीक नहीं है, ये तो लड़कों का काम है, यह लड़कियों का काम है। तो ये सारी बातें क्या है, उसको स्त्री बना देती है। इस प्रकार स्त्रियों को स्त्रियों जैसे शिक्षा दी जाती है और पुरुषों को पुरुषों जैसे शिक्षा दी जाती है कि तुम मजबूत हो, तुम महान हो, तुम लड़कियों से बेहतर हो। इस वाक्य को यदि ध्यान में रखें तो स्त्री विमर्श के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है स्त्री विमर्श का। स्त्री को मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित करना, शोषण और उत्पीड़न के विरोध में संघर्ष करना, स्त्री संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार करना, स्त्री को अपने अस्तित्व और अस्मिता की पहचान करवाना, मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाना, मानसिक और शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। साहित्य, मीडिया और सिनेमा में स्त्री संबंधी मुद्दों से जागृति लाना, स्त्री को अपने भीतर सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक रूप से मानसिक परिवर्तन लाना। अब हम देखते हैं पाश्चात्य संदर्भ, वेस्टर्न कंट्रीज में स्त्री विमर्श को किस तरह से देखा जाता है। पश्चिमी देशों में हुए स्त्रीवाद, स्त्री विमर्श, तो यहां पर पश्चिमी लिखना भूल गया मैं, पश्चिमी देशों में हुए स्त्रीवाद, स्त्री विमर्श और स्त्री मुक्ति आंदोलन को निम्नलिखित चार चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण है, मतलब चार भागों में देखा जा सकता है, चार चरणों, फोर स्टेजेस में देखे जा सकते हैं। तो पहला चरण है स्त्रीवादी आंदोलन, अमेरिका से यूरोप और यूरोप से पूरे विश्व के अलग अलग भागों तक पहुंचने लगा। अमेरिका से चालू हुआ, फिर यूरोप गया, यूरोप से विभिन्न देशों में पहुंचने लगा। वहां की महिलाओं ने अपने मौलिक अधिकार और लिंग के आधार पर समानता और मताधिकार की मांग को लेकर आवाज उठाई। पहले अमेरिका में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था और विभिन्न प्रकार के अधिकार नहीं थे, तो इसकी मांग को लेकर उन्होंने आवाज उठाई। इसके बाद पूरे विश्व में महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे भेदभाव और शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद की। इन आंदोलनों के साथ साथ महिलाओं ने उच्च शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विवाहित महिला की संपत्ति का अधिकार, प्रजनन नियंत्रण और समान वैवाहिक कानून की मांग की। महिला के संपत्ति के अधिकार को लेकर पहले कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, मतलब महिलाओं को संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। ब्रिटेन में विवाह के बाद महिला की संपत्ति पर पुरुष का अधिकार हो जाता था और फिर स्त्री कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे कोई महिला के पास कोई प्रॉपर्टी है और जिस पुरुष से शादी होती तो उस पुरुष की वो प्रॉपर्टी हो जाती थी। इसीलिए ब्रिटेन में महिला अधिकार को लेकर बहस तेज हुई और संपत्ति की मांग को लेकर आवाज उठने लगी। सन 1872 ईस्वी में एक कानून बना जिसके अनुसार पत्नी अपनी संपत्ति अलग रख सकती थी और पति उस संपत्ति का उपयोग बिना पत्नी की इच्छा के नहीं कर सकता था। तो 1872 में पहली बार कानून बना ताकि उनकी संपत्ति का संरक्षण किया जा सके और महिला को उसकी संपत्ति में पूरा अधिकार दिया जा सके।
और पुरुष को यदि अपनी पत्नी के संपत्ति का उपयोग करना है तो उसको अपनी पत्नी से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन के तहत स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी सफलता मताधिकार प्राप्त होना था। अमेरिका में पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। जब 19वां संविधान संशोधन हुआ तब पहली बार महिलाओं को मत देने अर्थात वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इन संशोधनों के अनुसार अमेरिकी संविधान ने सन 1920 में महिलाओं हेतु राइट टू वोट कुड नॉट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कहा था। मतलब अमेरिकी संविधान में यह उल्लेख किया गया कि राइट टू वोट कुड नॉट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, सेक्स के आधार पर किसी व्यक्ति को मत देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी लिंग के आधार पर ही कि वह महिला है उसे मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात लिंग के आधार पर वोट के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता था। तो ये पहले चरण में वो सफल हुई थी महिलाएं। अब दूसरा चरण क्या हुआ? स्त्रीवादी आंदोलन का दूसरा चरण 1955 के दशक के मध्य में हुए अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट से प्रभावित था। 1955 में एक आंदोलन हुआ था अफ्रीकी और अमेरिकन नागरिक अधिकार आंदोलन। दूसरे चरण में महिलाओं के प्रजनन अधिकार, कि वह मां बनना चाहती है कि नहीं बनना चाहती है, कभी उसे अबॉर्शन कराना है तो वो करा सकती है कि नहीं करा सकती है, घरेलू हिंसा, स्वतंत्रता, कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे मुद्दे मुख्य रूप से उठाए गए थे। सन 1960 से 1980 के बीच लगातार इस नारीवादी आंदोलन का दूसरा चरण जारी रहा। इसका दूसरा चरण था 1960 से लेकर 1980 तक, जिसे अंग्रेजी में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा गया, मतलब स्त्रीवादी आंदोलन का दूसरा चरण, दूसरी लहर कहा गया, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब ये तीसरा चरण है, थर्ड स्टेज। स्त्रीवादी आंदोलन का तीसरा चरण सन 1990 से अमेरिका में प्रारंभ हुआ। इस दौर में स्त्रीवादी होने के अर्थ को तलाशा जाने लगा और इसका प्रारंभ 1990 में ओलंपिया के रायट गर्ल नाम के एक स्त्रीवादी उप संस्कृति समूह के उद्भव से माना जाता है। मतलब कुछ ग्रुप बना था महिलाओं का और उसका नाम था फेमिनिस्ट पंक सब कल्चर। देखा जाए तो स्त्रियों को घर और बाहर दोनों जगहों पर हमेशा से दोयम दर्जे का माना जाता रहा, सेकंड क्लास का माना जाता रहा। उन्हें कभी अपने जुल्मों के बारे में बोलने का और अपने वजूद की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया। इसी वजह से स्त्रियों द्वारा एक प्रचलित संस्कृति के समक्ष एक उप संस्कृति को विकसित किया गया, जहां स्त्रियां अपनी बातें, समस्याएं, शोषण, मारपीट, पितृसत्ता द्वारा उत्पीड़न, बलात्कार, भेदभाव और स्त्री सशक्तिकरण आदि पर अपनी बात रख सकती थी। मतलब महिलाओं ने एक नया ग्रुप डेवलप किया, एक नया समूह बनाया और उस समय में समूह में इन्हीं सब बातों की चर्चा होती थी कि कौन उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, कौन उन्हें परेशान कर रहा है, कौन उनका शोषण कर रहा है इत्यादि। तो इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू कर दिया। जो चौथा चरण था उसे फोर्थ स्टेज कहा जाता है। और फोर्थ स्टेज क्या था? अभी हम देख रहे हैं पाश्चात्य देशों में स्त्री विमर्श के विभिन्न स्टेजेस। पाश्चात्य देशों में या फिर पश्चिमी देशों में स्त्री विमर्श के चार चरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा चरण हम देख रहे हैं, स्त्रीवाद का चौथा चरण सन 2010 के बाद से माना जा सकता है। आज विश्व में जो बदलाव आ रहा है उसमें सभी चीजें इंटरनेट की तीव्र गति के माध्यम से अधिक खुली हुई है। मतलब इंटरनेट, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और जो चाह रहा है क्षण भर में उसको जो जानकारी या जो कुछ देखना चाह रहा है तुरंत देख सकता है। तो आज भी स्त्री विमर्श में विमर्श, बहस, संवाद और चर्चा जारी है, क्योंकि जो लड़ाई स्त्रियां इतने वर्षों से लड़ती आ रही है उसमें अभी भी कुछ ना कुछ मुद्दे बाकी है। मतलब भले ही हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं लेकिन जिन लड़ाइयों को वो प्राचीन समय से लड़ती आ रही है वो मुद्दे आज भी जारी हैं, वो लड़ाई आज भी जारी है। इंटरनेट और मोबाइल के विभिन्न संस्करण जैसे 2G, 3G, 4G और 5G की इस दुनिया ने पूरे संसार को एक साथ जोड़ दिया है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, भूमंडलीकरण का दौर है। इससे स्त्रियों के भीतर एक नया आत्मविश्वास, साहस और जागृति भी पैदा हुई है। वहीं आज नए नए तरह से स्त्रियों के शोषण भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्त्रियां अपनी बात खुलकर लिख रही हैं, बोल रही हैं, अपने जीवन से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं और इसी वजह से आज साइबर क्राइम अधिक बढ़ने लगा है और इसके शिकार महिलाएं अधिक हो रही हैं। ठीक है, महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लिबर्टी प्राप्त हुई, लेकिन कुछ महिलाएं उस स्वतंत्रता का इस तरह उपयोग कर देती हैं कि उनको स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाती हैं और उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मतलब कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स, ऐसी अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देती हैं और बाद में इसके कारण उनका शोषण होने लगता है। अब हम देखते हैं भारतीय संदर्भ।
भारतीय संदर्भ में स्त्री विमर्श के कितने स्टेजेस हैं? स्त्री संघर्ष का इतिहास वर्षों पुराना रहा है, जिसे समझने के लिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के भारतीय समाज में स्त्री के इतिहास को जानना और समझना आवश्यक है। इसे हम निम्नलिखित पांच कालों में देख सकते हैं। वहां पर 4 स्टेजेस हमने देखा, यहाँ पर हम 5 स्टेज देखेंगे, 5 काल देखेंगे। पहला प्राचीन काल, फिर मध्य काल, फिर आधुनिक काल का प्रथम दौर, फिर आधुनिक काल का प्रथम दौर और नवजागरण काल, और अंत में आधुनिक काल। 1, 2, 3, 4, 5 पांच काल है। प्राचीन काल में क्या स्थिति थी महिलाओं की देखते हैं। प्राचीन काल से पूर्व स्त्री का इतिहास पाषाण युग से प्रारंभ होते हुए देखा जा सकता है। पाषाण युग में मनुष्य आदिम मानव की तरह जीवन यापन करता था। पाषाण युग के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता आई और इस युग में स्त्री का अपना महत्व था, क्योंकि उस समय मातृ प्रधान कुटुंब व्यवस्था चलती थी, वंश को मां के नाम से चलाया जाता था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह क्या है, मातृ प्रधान संस्कृति थी, पितृ प्रधान संस्कृति नहीं थी, और जो वंश चलता था वह मां के नाम से चलता था, वो बहुत ही बेहतरीन डेवलप्ड टाइप की वो थी, औद्योगिक नगरीय सभ्यता थी, मां का बहुत महत्व था सिंधु घाटी सभ्यता में। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, महाजन दशक, कुषाण आदि का समय रहा है। वैदिक और उत्तर वैदिक युग में स्त्री जीवन का नया स्वरूप दिखाई देने लगा। उस समय वेदों, वेदों मतलब जो किताबें का नाम है, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों और आर्यडकों की रचना हुई थी वैदिक काल में। सामाजिक व्यवस्था आर्यों द्वारा प्रारंभ की गई, उसका मूल ढांचा पितृ सत्तात्मक था। जो आर्य 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 जब भारत में आए तो आर्यों की जो व्यवस्था थी वह पितृ सत्तात्मक थी। इस दौर में पितृ सत्तात्मक परिवारों में प्रचलित परंपरा के अनुसार पुरुष ही परिवार का मुखिया बन गए। तो आर्य आर्यों में क्या हुआ कि पितृ सत्तात्मक समाज था, तो पुरुष परिवार का मुखिया बन गया। अब देखते हैं कि स्त्री की पराधीनता का प्रारंभ मनुस्मृति के कारण हुआ है। मनुस्मृति एक हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है संस्कृत का, तो स्त्री के पराधीनता का प्रारंभ इसी से हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों के लिए कई नियम बना दिए गए, जैसे अविवाहित स्त्री का कुंवारापन, विवाहित स्त्री के शील की शुद्धता, और स्त्री को लोभी और लालची कहने की मानसिकता आदि। मतलब अविवाहित स्त्री को मतलब कुंवारापन को मेंटेन करके रखना है, और विवाहित स्त्री को केवल अपने पति के लिए समर्पित रहना है, चेस्टिटी को मेंटेन करके रखना है, अपनी पवित्रता को, सतीत्व को, और महिलाएं बहुत लोभी होती हैं, लालची होती है, ऐसी मानसिकता। मनुस्मृति में विवाह का धार्मिक महत्व इस तरह रखा गया कि स्त्री को एक आदर्श के रूप में बताया जाता है। इस आदर्श के तहत पति को परमेश्वर की उपाधि देकर पत्नी को पति की पूजा करने का पाठ पढ़ाया जाता है। जैसे मतलब पति परमेश्वर है तुम्हारा, तुमको उसकी पूजा करनी चाहिए। विधवाओं के लिए सती प्रथा का नियम बना दिया गया, मतलब कोई महिला यदि विधवा हो जाती है तो उसे पति के साथ चिता में जलकर आत्मदाह कर लेना है, सती प्रथा। इस तरह से स्त्रियों को पुरुषों पर पूरी तरह से निर्भर बना दिया गया है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन निरर्थक मानने वाले समाज के विचारकों ने अपनी मान्यताओं और रिवाजों आदि को अपने सुविधा अनुसार परिवर्तित किया है। जिस समाज में सतीत्व को इतना सम्मान दिया जाता था वहां पुनर्विवाह पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता है। विधवाओं के लिए जो नियम बने वे अति कठोर और संवेदनहीन थे। मतलब एक तो विधवाओं को अपने पति के साथ सती होना कंपलसरी था, तो पुनर्विवाह की जैसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी कि कोई महिला यदि कम उम्र में विधवा हो जाती है तो क्या वह पुनर्विवाह कर सकती है। मतलब विधवाओं की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। इसके बाद मध्य काल में क्या हुआ, प्राचीन काल हमने देख लिया, मध्य काल में देखते हैं। भारत के इतिहास में मुस्लिम शासकों के आगमन मतलब मुगलों के आगमन और शासक के रूप में स्थापित होने का काल मध्य काल के नाम से जाना जाता है। इस दौर में भारतीय स्त्रियों की स्थिति बिगड़ती चली गई। इस मध्य युग में प्रगति मूलक विचारों का भी अभ्युदय हुआ, जिसमें भक्ति संप्रदाय ने स्त्रियों और दलितों के भीतर एक नई चेतना जगाई। इस समय तो महिलाओं की स्थिति और भी बहुत बुरी होगी, लेकिन इसी समय भक्ति आंदोलन भी शुरू हुआ, और भक्ति आंदोलन ने स्त्रियों को और शूद्रों को बराबर स्थान दिया, उनको महत्व प्रदान किया, उनके अंदर अंदर एक नई चेतना जागृत की। भक्तों और संतों ने सीख दी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही ईश्वर के सामने समान है। स्त्रियों के संदर्भ में विवाह आदि को लेकर जो प्रथाएं प्रारंभ हुई थी वह स्त्री विरोधी रही है। युद्ध के बाद औरतों को बंदी बनाकर उनके साथ जबरदस्ती विवाह करने का भी प्रचलन भी था। राजपूतों में तो मुस्लिम शासकों के आतंक से बचने के लिए स्त्रियों द्वारा जौहर और सती हो जाने की प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया।
मतलब जब भी कोई शासक दूसरे राज्य में आक्रमण करता था तो वहां जब वहां पर वो सफल हो जाते थे, विजयी हो जाते थे, तो वहां के जो सैनिक लोग होते थे, राजा लोग होते थे, वहां की महिलाओं से शादी कर लेते थे जबरदस्ती। तो राजपूतों में स्वाभिमान और ये अभिमान की भावना बहुत होती है ना। स्वाभिमानी बहुत होते हैं, वो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। राजपूत कौम आज भी वैसी है वो लोग। तो राजपूत लोग क्या करते थे, ताकि उनके घर की बहू बेटियों को कोई मुसलमान शासक शादी ना कर ले या उनकी उनके साथ बलात्कार न कर ले, इसके लिए जौहर और सती हो जाने की प्रथा उन्होंने शुरू की थी। कि जब वो देखते हैं कि अब जान नहीं बचेगी, हमारा जीवन संकट में है, तो सभी महिलाएं जौहर कर लेती थी या फिर पति के मर जाने के बाद उसकी चिता में जलकर जान दे देती थी, सती हो जाती थी। तो मध्यकाल में यह स्थिति थी। तो यह तो हिंदू महिलाओं के बारे में बात हो रही है। मुस्लिम समाज में पर्दा पद्धति भी थी, जो एक सम्मान सूचक पद्धति बनती चली गई। मुस्लिम समाज में पर्दा पद्धति थी कि कोई गैर मर्द उन्हें ना देख पाए। लड़कियों का विवाह बहुत कम उम्र में करने का प्रचलन भी इसी दौर से प्रारंभ हुआ, जिससे बाल विवाह की कुप्रथा भी शुरू हुई। अब लड़कियों का जो इज्जत की जो रक्षा थी, कि उसके इज्जत और अस्मिता की जो रक्षा थी, रक्षा का जो प्रश्न था, सबसे बड़ा प्रश्न था। इसीलिए जितनी छोटी से छोटी उम्र में अपनी बेटियों की शादी कर देते थे, ताकि वह पूरी तरह पवित्रता के साथ अपने पति के पास चली जाए, उस अपने ससुराल में चली जाए। तो इससे बाल विवाह की कुप्रथा शुरू हुई। इन सभी परिस्थितियों के मद्देनजर हिंदू और मुसलमानों में कन्या के जन्म को ही एक अभिशाप की तरह माना जाने लगा, और परिणाम स्वरूप भ्रूण हत्याएं बढ़ने लगी। मतलब बेटी पैदा होना मतलब ऐसा लगता था कि कोई कलंक है, कोई अभिशाप है। तो मध्यकाल में हिंदुओं में और मुसलमानों में जो लड़कियां पैदा होती थी, तो भ्रूण हत्याएं बढ़ने लगी। बचपन में एकदम भ्रूण ही मार पेट के अंदर ही मार दिया जाने लगा। बहुविवाह की प्रथा को भी, अब पता नहीं वहां उस तरफ क्या भ्रूण हत्या यहाँ से बच्चों की हत्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता कि सोनोग्राफी जैसी कोई व्यवस्था रही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को मार दिया जाता था, लड़कियों को। बहुविवाह की प्रथा को भी बढ़ावा दिया गया। बहुविवाह मतलब एक व्यक्ति की कई पत्नियां। विधवाओं पर अनेक पाबंदियां लगाई जाने लगी। विधवाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि जिंदा रहने के बजाय वे सती हो जाना पसंद करती थी। बहुत सारे वर्जनाएं उन पर आरोपित थी, ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत पहनो, ये सब। स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना असंभव बना दिया गया, जबकि उच्च वर्णीय स्त्रियां कुछ हद तक पढ़ती थी, ये पढ़ती थी हैं। तो जो नीचे तबके की जो महिलाएं थी, उनको पढ़ाई की भी व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए मत पढ़ो बोला जाता था उनको। और उच्च वर्ण की जो स्त्रियां थी, अपर मिडिल क्लास, वो लोग पढ़ सकते थे, लेकिन वह भी मानसिक शांति और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु। यदि इस काल में स्त्रियों की स्थिति है तो लेकिन कब पढ़ते थे, लेकिन वह भी मानसिक शांति और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने हैं। तो मतलब इस काल में क्या हुआ, स्त्रियों की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, वेश्यावृत्ति, विधवा विवाह पर पाबंदी, अशिक्षा और बहुविवाह जैसी प्रथाएं और कुरीतियां इसी काल में प्रारंभ हुई। तो यह मध्यकाल का योगदान ये सब है। क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए ये मध्यकाल में, यह सारी घटनाएं हुई। अब आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर में क्या हुआ, 19वीं सदी के आरंभ में भारतीय समाज में स्त्रियों को सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी कई कुरीतियों के कारण सब कुछ सहन करना पड़ता था। धर्म और परंपराओं के आधार पर अन्याय और क्रूरता के कारण स्त्रियों पर हो रहे निरंतर शोषण को देखते हुए राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सबसे पहले आवाज उठाई। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और बहुविवाह प्रथा पर प्रहार किया। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए संपत्ति के अधिकारों पर भी जोर देते हुए आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने और उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन भी किया। ये लाइन रिपीट हो गया है। और उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन भी किया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन भी किया। उन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया। ब्रह्म समाज अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन करता था। अंतरजातीय विवाह मतलब इंटरकास्ट मैरिज, एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के महिला या पुरुष से शादी करे। 1832 में ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद कई संस्थाएं भारत में महिलाओं की उन्नति के लिए स्थापित होती चली गई। सन 1848 ईस्वी में गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी की स्थापना हुई।
ब्रह्म समाज संगठन के द्वारा महिलाओं के लिए बोधिनी पत्रिका की भी शुरुआत हुई, महिलाओं के लिए बोधिनी पत्रिका उन्होंने शुरू किया। इस संगठन के प्रयासों से 1872 में नागरिक विवाह कानून पारित किया गया, जिससे अंतरजातीय विवाह एवं तलाक को कानूनी अधिकार दिया गया। शादी के लिए स्वीकृत आयु महिला एवं पुरुष के लिए क्रमशः 14 और 18 निश्चित की गई। तो यह सब डॉक्टर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये सुधार हुए। नवजागरण युग और स्त्रियों के लिए सुधार काल, अगला काल है नवजागरण युग। आधुनिक भारत में महर्षि डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे ने विधवाओं के जरूरतमंद बच्चों की मदद की और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा विवाहोत्तेजक मंडली की स्थापना भी की। सन 1896 में उन्होंने हिंदू विधवा होम एसोसिएशन की भी स्थापना की। सन 1907 में कन्या पाठशाला और महिला महाविद्यालय की शुरुआत की। आगे चलकर यह पहला महिला विद्यापीठ भी बना। तो एक और मराठी जो हुए हैं बहुत महान व्यक्तित्व, उन्होंने बहुत सारे काम किए महिलाओं के जागरण के लिए नव जागरण के समय में। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने विशेष रूप से भारत में महिलाओं की स्थिति में आई गिरावट को सुधारने का कार्य किया। पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नीत्व प्रथा ने मुस्लिम महिलाओं को पतन के गर्त में धकेल दिया था। अब मुस्लिम महिलाओं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पर्दा प्रथा था, बहुपत्नीत्व प्रथा था। पर्दा प्रथा मतलब एकदम ढक कर रहना पड़ता था, बुरका पहनकर और पूरी तरह से ढककर, और बहुपत्नीत्व मतलब एक ही व्यक्ति कई महिलाओं को शादी करके अपने घर में रखता था। तो इसने उनको पतन के गर्त में ढकेल दिया था। मुस्लिम समाज सुधारकों में सबसे पहला नाम सर सैयद अहमद खान का आता है। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षित करने पर बल दिया। इस प्रकार नवजागरण काल में स्त्रियों को शिक्षित करने पर बल दिया गया। इस प्रकार नवजागरण काल में स्त्रियों के लिए अनेक सुधार कार्य हुए। तो उनमें भी डॉक्टर सर सैयद अहमद खान ने भी बहुत प्रयास किया था, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो इस प्रकार ये हुआ। अब आधुनिक काल देखते हैं। 1857 के संघर्ष के साथ ही भारत में मध्यकालीन दौर का अंत हुआ, मध्यकाल खत्म हो गया था मुगलों का दौर, और नए युग की शुरुआत हुई जिसे आधुनिक काल कहा गया। और मुगल साम्राज्य की लड़ाई ब्रिटिश सेना के साथ हुई। मुगलों के पास उस समय केवल 7 रियासतें थी और ब्रिटिशों के पास भारत की 21 रियासतें थी और देश पूरी तरह से गुलाम होता जा रहा था। तब मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी। उसी दौर में झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई 1828 से 1858 तक इनका जीवन काल रहा, ने अपने सैनिकों के साथ युद्ध किया। 1857 की क्रांति में अनेक वीरांगनाएं शामिल रहीं जिनका उल्लेख इतिहास में बहुत कम मिलता है। इन वीरांगनाओं में प्रमुख रूप से अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, उम्दा देवी, रजिया सुल्तान, रानी झलकारी बाई, रहीमी, जमीला खान, मन कौर, राज कौर, शोभना देवी, आशा देवी आदि हैं। इन स्त्रियों ने युद्ध में अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। स्त्रियों को पहले योद्धाओं का दर्जा नहीं दिया जाता था, इसी कारण इनका नाम इतिहास में बहुत कम दिखाई देता है। मतलब इन महिला वीरांगनाओं को कभी इतिहास ने स्वीकार नहीं किया, उनको उनका वास्तविक दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए इतिहास में इन नामों का उल्लेख बहुत ही कम होता है। अब स्त्री मुक्ति के आंदोलन कहां से शुरू हुए, कैसे हुए? स्त्री मुक्ति आंदोलन का प्रारंभ पश्चिम से माना जाता है, वेस्टर्न कंट्री से माना जाता है। सदियों से पूरे विश्व में स्त्रियों पर जो शोषण होता रहा है उसी के खिलाफ यह आंदोलन अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उताया है और उसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। बहुत पहले समय से यह आंदोलन होते रहा है। पाश्चात्य संदर्भ में मुक्ति आंदोलन मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे हुआ था मुक्ति आंदोलन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय, फ्रांसीसी क्रांति होता 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के समय आजादी, समानता और भ्रातृत्व है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का व्यवहार बिना किसी लिंग भेद के कानून लागू करने के लिए महिला रिपब्लिकन क्लबों ने मांग की थी, परंतु उस समय नेपोलियन की संहिता आ जाने के कारण यह मांग पड़ गई। मतलब ये मांग कर रही थी महिलाएं, लेकिन नेपोलियन का शासन आ गया तो बंद हो गया। उत्तरी अमेरिका के अबीजेल एडम्स और मेरी ऑर्टिस वारेन ने जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन पर दबाव डाला कि नारी मुक्ति के मामले को संविधान में शामिल किया जाए। इसके बाद नारीवादी आंदोलन सन 1848 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा लिख सकते हैं कि नारीवादी आंदोलन 1848 ईस्वी में शुरू हुआ। वास्तव में मैं इतना सारा कंटेंट देने का मेरा मकसद यह है कि आप इसको काट छांट करके थोड़ा छोटा कर लें अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन आपको पूरी बातें पता रहे।
मेरा मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि पूरी अवधारणाएं आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रहे, ताकि परीक्षा में बिना याद किए भी आप अपने उत्तर को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही मैक्सिमम और बहुत ही स्टैंडर्ड का कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ। हालांकि कुछ छात्रों को मेरे से शिकायत रहती है कि मेरे लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि मैं पूरी तरह से अवधारणाओं को स्पष्ट करूं। सन 1949 में सिमोन द बोवार, सिमोन द बोवार की पुस्तक द सेकंड सेक्स, इनकी किताब का नाम है, के प्रकाशन ने स्त्री मुक्ति के सवाल को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मानदंडों से निकालकर यौन मुक्ति के प्रांगण में ला खड़ा किया। इसके बाद से स्त्री विमर्श नाम पर यौन विमर्श प्रमुखता से सामने आने लगी। इसके पहले तो महिलाएं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से आजादी चाहती थी कि हमको मुक्ति दिया जाए जो हमारे पर पाबंदियां लगाई। लेकिन सिमोन द बोवार नाम की एक फ्रांसीसी राइटर हुई है, महिला लेखक, इन्होंने यौन से संबंधित मुद्दों को उठाया कि उन्होंने खाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि उनको यौन मुक्ति चाहिए, है ना। तो यौन विमर्श को भी, स्त्री विमर्श के साथ यौन विमर्श को भी प्रमुखता से सामने आने लगी। इस पर भी डिस्कशन चालू हो गया। भारतीय संदर्भ में मुक्ति आंदोलन, अब भारतीय संदर्भ में मुक्ति आंदोलन क्या है देखते हैं। 19वीं सदी के भारत में ताराबाई शिंदे का नाम विशेष महत्व रखता है। उन्होंने सन 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की रचना की। इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तमाम शोषणात्मक कार्यों की आलोचना की गई है जो पुरुष वर्ग स्त्रियों के साथ अपने जीवन में करता है। यह किताब स्त्रीवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। यह पहली राइटर है ताराबाई शिंदे जिन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में विस्तार से अपनी किताब में चर्चा किया है और स्त्री विमर्श को हवा दी है। प्रगतिशील महिला आंदोलन ने सन 1929 में कुछ राष्ट्रीय नेताओं के सहयोग से शारदा एक्ट और बाल विवाह नियंत्रण कानून पास करवाया और बाल विवाह के विरुद्ध कानून पास किए गए। शारदा एक्ट बहुत फेमस एक्ट है, भारत का शारदा एक्ट। और महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ विनियोग अधिनियम सन 1927 तथा मुस्लिम विवाह अधिनियम सन 1929 आदि अन्य कानून भी पास किए गए। ये कानून पास किए गए। भारत में सन 1915 से 1947 तक का समय स्त्रियों के लिए जागृति भरा रहा। राष्ट्रवाद को समझा उन्होंने और वह स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में भी सम्मिलित हुई। महात्मा गांधी जी भारत में सन 1915 से 1947 तक का समय स्त्रियों के लिए जागृति भरा रहा है। भारत में सन 1915 से सन 1947 तक का समय स्त्रियों के लिए जागृति भरा रहा है। स्त्रियों ने राष्ट्रवाद को समझा और वे स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में भी सम्मिलित थीं। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाया और अपनी महत्ता को सिद्ध किया। मतलब महात्मा गांधी ने महिलाओं को भी आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे स्त्री विमर्श हो चाहे दलित विमर्श, इनके योगदान को हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्त्री मुक्ति के संदर्भ में विशेष योगदान रहा। उन्होंने दलित और स्त्री वर्ग के उद्धार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के उत्थान और उन्नति के लिए सार्थक कार्य किए। उन्होंने स्त्री मुक्ति के संदर्भ में अनेक भाषण दिए। 28 जुलाई 1928 को मुंबई विधान परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने मिल, फैक्ट्री, कारखाने तथा अन्य संस्थानों में मजदूर महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम पास करवाने के प्रयास किए। मतलब पहले महिलाओं को प्रसूति, मतलब बच्चा पैदा होता था तो उनको छुट्टियां नहीं दी जाती थी, तो फिर बाद में उन्होंने ऐसे कानून पास कराने के पर्याप्त प्रयास किया कि महिलाओं का जब बच्चा होता है तो 5-6 महीने जितने भी दिन उनको प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जनवरी 1928 में मुंबई में महिला मंडल की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर उसकी अध्यक्ष थी। तो पति पत्नी दोनों बहुत सक्रिय थे और बहुत ही विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। भारतीय इतिहास में इन्हें बहुत ही विद्वान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ज्यादा डिग्रियां थी इनके पास। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सन 1970 में चिपको आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं के लिए अपने पर्यावरण को बचाना जो हुआ था उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन गढ़वाल वगैरह में हुआ था कुमाऊं। तो 1970 में चिपको आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं ने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, अपनी आजीविका को बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, जिसमें प्राथमिक भोजन, ईंधन, पानी, मरुस्थलीकरण इत्यादि महिलाओं के विषय हित में शामिल थे। मतलब पेड़ पौधों से उन्हें भोजन मिलता था, ईंधन मिलता था,
तो उनको बचाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया अपने पर्यावरण को। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी सन 1985 में महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। यह आंदोलन मेधा पाटकर ने भारत में गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध जनजातीय लोगों, आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणवेत्ताओं और मानव अधिकार के सक्रिय कार्यकर्ताओं की सहायता से चलाया था। मतलब धीरे धीरे जागृति उनमें आई और वे आंदोलनों का भी नेतृत्व करने लगी। अतः स्वतंत्र भारत में सन 1960 से नारी मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और तभी से स्त्री की स्वतंत्रता और मुक्ति पर विचार करते हुए तीव्र गति से आह्वान किया जाने लगा। मतलब भारत में जो स्त्री विमर्श है या नारी मुक्ति आंदोलन है 1960 ईस्वी से शुरू हुआ था। अब स्त्री विमर्श समकालीन हिंदी साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समकालीन जो हिंदी साहित्य में है उसमें किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई और किनके द्वारा लिखी गई। समकालीन हिंदी कथा साहित्य में लेखिकाओं ने अपने अनुभवों और आसपास की परिस्थितियों को केंद्र में रखकर प्रत्येक वर्ग, चाहे निम्न मध्य वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग, चाहे कोई भी समुदाय हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पूंजीपति वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा, काला, ग्रामीण, शहरी, महानगरी, पाश्चात्य जीवन शैली, दलित, आदिवासी, अनपढ़, शिक्षित, नौकरी पेशा, गृहिणी, विवाह की समस्या, कुंवारी माँ की समस्या, विधवाओं की समस्या, अनमेल विवाह, तलाक, विवाह प्रेम, विवाहेतर संबंध मतलब शादी होने के बाद भी दूसरे पुरुष या दूसरे महिला के साथ संबंध रखना है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, परंपरा एवं आधुनिकता, दो पीढ़ियों का द्वंद है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू, दो प्रकार के जनरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू जनरेशन, जनरेशन गैप, पीढ़ियों का द्वंद आदि समस्याओं और विडंबनाओं को अपने कथा साहित्य का विषय बनाया है। तो महिला लेखिकाओं ने इन विषयों को अपने साहित्य में स्थान दिया है। हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा के क्षेत्र में लेखिकाओं द्वारा अधिक स्त्री विमर्श देखने को मिलता है, उपन्यासों में ज्यादा दिखाई देता है। स्त्री विमर्श से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेखिकाओं के उपन्यास इस प्रकार है, कृष्णा सोबती, मित्रों मरजानी, आय लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे के दिलो दानिश, ये कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं। इसके बाद प्रभा खेतान, छिन्न मस्ता, पीली आंधी, आओ पेपे घर चले, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, अलमा कबूतरी, मृद्रा गर्ग की रचना है, चित्त कोबरा, कठ गुलाब अनित, चित्रा मुद्गल की रचना है आवा, अनामिका दास की अनामिका का रचना है दस द्वारे का पिंडा, तिनका तिनके पास, मंजुल भगत अनारो, गीतांजलि श्री की रचना है तिरोहित, खाली जगह माई, ममता कालिया की रचना है बेघर, एक पत्नी के नोट्स, नरक दर नरक आदि अनेक उपन्यास है महिला लेखिकाओं के। समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श से संबंधित आत्मकथाओं में प्रमुख लेखिकाओं में कुसुम अंसल, इनकी आत्मकथा है जो कहा नहीं गया, मैत्रेयी पुष्पा, कस्तूरी कुंडल बस है, गुड़िया भीतर गुड़िया, रमणिका गुप्ता हादसे, प्रभा खेतान अन्या से अनन्या, इनकी आत्मकथाएं हैं। चंद्र किरण सोहन रेक्सा, पिंजरे की मैना, कौशल्या बैसंत्री, दोहरा अभिशाप आदि प्रमुख हैं। इसी तरह से कविता और कहानी के क्षेत्र में अनेक स्त्री विमर्श से संबंधित रचनाएं उपलब्ध हैं। तो ये आज के लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको आपको पूरा कोट करना है, अधिक से अधिक रचनाओं का नाम लिखना है आपको। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। स्त्री विमर्श एक वैश्विक विचारधारा है जिसमें पूरे विश्व की स्त्रियों का संघर्ष अपने पितृसत्तात्मक समाज के विरोध में देखने को मिलता है। मतलब वास्तव में स्त्री विमर्श क्यों चालू हुआ, पितृसत्तात्मक समाज जिसमें पूरी सत्ता पुरुषों के ऊपर केंद्रित है, तो उसको चुनौती देने के लिए यह शुरू हुआ और यह पूरे विश्व में प्रचलित विचारधारा है। पश्चिमी और भारतीय स्त्री आंदोलन और स्त्री विमर्श का इतिहास बहुत पुराना और लंबा रहा है। हमने देखा है वहां पर पश्चिमी विचारधारा के 4 स्टेजेस हैं और भारतीय स्त्री विमर्श के 5 स्टेजेस हैं। लिंग के आधार पर पितृसत्तात्मक समाज में जहां सारे नियम कानून वर्चस्व मतलब भागदारी पुरुषों के हाथ में है, वहां स्त्री का अपना कुछ भी नहीं है। स्त्री एक ऐसी प्राणी बन चुकी है जो इस पुरुषवादी समाज की कठपुतली और व्यवस्था के साथ निरीह प्राणी के समान जीवन व्यतीत कर रही है। आज भी कुछ जगह ऐसी है, कुछ ही महिलाएं स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन कर रही हैं, बाकी महिलाएं तो पूरी पुरुषों के ऊपर निर्भर हैं या फिर उन्हें निर्भर बना दिया गया है। स्त्री के स्वभाव, उसके मन और उसके संवेदनाओं को समझने के लिए स्त्री विमर्श एक महत्वपूर्ण दृष्टि है। मतलब स्त्री विमर्श एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा डिस्कशन है जिसके आधार पर महिलाओं की संवेदनाओं को, उनकी इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को बहुत ही सही ढंग से समझा जा सकता है स्त्री विमर्श के माध्यम से। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि है। स्त्री विमर्श कोई संस्कार नहीं है और ना ही कोई विचारधारा है, बल्कि
इस बदलते हुए समाज में स्त्री के पारंपरिक मापदंडों को तोड़ने की एक पहल है, मतलब एक शुरुआत है। जो पारंपरिक जो विचारधारा है महिलाओं के विरुद्ध है, जो उसको तोड़ने की, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने की एक पहल है, एक शुरुआत है, जिससे स्त्री को समानता का अधिकार, सम्मान, अस्तित्व और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इसके लिए पुरुषों की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आपने स्त्री विमर्श को भली भांति समझ लिया होगा। इस नोट्स को आप अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और इसका जो PDF है नोट्स, वो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मेरे आदिवासी विमर्श वाले वीडियो को भी आप जरूर देखें, और इसके बाद मेरा अगला वीडियो आएगा, वो आएगा दलित विमर्श के ऊपर, उसे भी देखना न भूलें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।